आज असम में हुई थी और 18 साल पहले, और बहुत सीएम जो थे उन्होंने वायदा किया कि किरण जो हमारे गांव का स्कूल है उसके नाम होगा, एक गेट बनेगा, तो वो वायदे आज 18 साल हो गए पूरे नहीं हुए। तो जो बेटे ने देश के लिए जान दी है तो ये वायदे पूरे नहीं हुए, तो मैं लौटाने आई हूँ। पहले आपको कभी अपने जो MLA वगैरह हैं उनसे मिले हैं, रविंद्र ठाकुर बाकी जो पहले थे उनसे मिले, बाकी यहाँ पहली बार आए। मैं इसीलिए तो आई हूँ, अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। आज 18 साल देखते देखते यहाँ पहुँचे और आना बड़ा ही नहीं हुई थी बेटे की, उसकी नहीं हुई थी। हाँ जी, देखिए अभी मुझे आपके सामने ही इन लोगों से मिलना हुआ है, और शहीद के माता जी भी साथ में आए हैं, उनके परिवार के लोग भी आए हैं, राज्यपाल महोदय जी, मुझे जानकारी इस बारे में थी नहीं। और मुझे ये भी ध्यान में नहीं आ रहा कि भाई इस सारे विषय में ये मामला कहाँ कैसे छूट गया, क्योंकि जो शहादत हुई है और उस शहादत के पश्चात जो कमिटमेंट हुई थी, वादा हुआ था जैसा इनका कहना है, उस सूरत में वो वादा को पूरा नहीं किया गया। मैंने इनसे विनम्र निवेदन किया है, माता जी से भी किया है और इनके परिवारजन से भी किया है कि आप गवर्नर साहब से मिल लें, और मिलने के पश्चात आप मेरे कार्यालय आएं और हम बैठ करके इसका कोई समाधान, कहाँ ये कमी छूट गई है, इस बात को जरूर इसको दुरुस्त करेंगे। आप अश्योर करते हैं इनको? मैं देखिए, मैं पूरा रिकॉर्ड तब तक के लिए निकालने की कोशिश करूँगा जो शहादत हुई है उनके बेटे की, वो सारा किस कैटेगरी में आता है और किस सारी चीज़ में आता है। वीर चक्कर का बताया आपने, कीर्ति चक्र जो है गैलेंट्री अवार्ड जो है वो उनको मिला है, तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शहादत हुई है देश के लिए, बच्चे ने जान दी है, जो भी बेस्ट पॉसिबल उसमें हो सकता है वो करेंगे। इस प्रकार से कोई पेंडिंग इस तरह के मामले रहे हैं, कमिटमेंट की है और कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, तो उन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है, हम लोग ये पहला मामला आपके सामने लाए और लगातार एक शिविर चलाएंगे। सैकड़ों लोग पीड़ित हैं, इनके ये जो वायदे हैं, जो ये झूठे वायदे पेंट की जेब में हाथ डाल के देते हैं, सैकड़ों शहीदों के परिवार पीड़ित हैं, उन सबको एक एक करके सामने लाया जाएगा। मजाक बना के रखा शहादत का, एक माँ अपना बेटा खो देती है, सब कुछ खो देती है, उसको ये दफ्तरों के चक्कर लगवाते रहते हैं, हद होती है यार किसी चीज की। तो ये अवार्ड वापिस करने, माता जी खुद बताएंगे, 23 साल की उम्र में वो शहीद हो चुका है।